नमस्कार दोस्तों, लाइटिंग गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्टल वायर की 100 एलईडी बल्ब की झालर। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बना रहे हैं 100 एलईडी बल्ब, क्रिस्टल वायर की 100 एलईडी बल्ब की झालर। इसमें बहुत कम मेहनत और बहुत जल्दी बनने वाली ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको दोस्तों। इसमें हमने लिया है एक क्रिस्टल वायर डबल वाला, इसमें आपको वायर लपेटने का कोई काम नहीं है। इसमें हम एक ही वायर कट करेंगे और उसमें पूरी सीरीज बन जाएगी। इसमें हमने लिया है क्रिस्टल वायर का पूरा बंडल और हमने लिए ये 5 mm का RGRB LED बल्ब। ये देख लीजिए, 5 mm का RGRB बल्ब है। ये हमने 100 बल्ब लिए हैं और इसमें साथ में हमने लिए ये डायमंड केब। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कैसे बनती है 100 LED बल्ब, 100 फीट की LED झालर। चलो हम चालू करते हैं कि कैसे बनाते हैं 100 बल्ब की LED झालर। वो भी क्रिस्टल वायर, न्यू वायर आया है, बहुत ही हेवी वायर है, इसका PVC बहुत हेवी है। और हमने 100 बल्ब लिए हैं, डायमंड केब लिए, कटल लिया, इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगेंगे। हाँ दोस्तों, 100 बल्ब के झालर में रेजिस्टेंस नहीं लगते हैं, हम केवल 2 ही वायर पर सुई बनाएंगे, इसमें कोई 3 वायर लगाना काम नहीं है। बहुत सारे बताते हैं कि 3 वायर लगाओ 3 वायर लगाओ, अपन 3 वायर कोई काम नहीं, इसमें 2 वायर लगेगा। और ये सीरीज पूरे होने के बाद आपको वायरिंग का कनेक्शन बताएंगे, जो इसमें लगेगा 3PF ड्राइवर। हाँ दोस्तों, क्या लगेगा इसमें? 3PF ड्राइवर। तो आइए हम चालू करते हैं वीडियो। तो हमने पहले नाप कर ले रखा है 12 इंची का, ये निशान लगाया हमने 12 इंची का। टेप से नाप कर आप अपनी दूरी के हिसाब से कर सकते हो, इसमें हमने 12 इंची का लिया है। और इस प्रकार इसमें 2 वायर देखिए, एक वाइट है और रेड है। तो अब इसमें क्या है कि हम वाइट वाले वायर में कट लगाएंगे। ये देखो, जी हाँ दोस्तों, इसमें हमने वाइट वाले वायर को कट लगाया है और इसमें पूरी सीरीज चलेगी दोस्तों। ये रेड वाला ऐसा रहेगा, इसको हम कटर की सहायता से काट लेते हैं। ये देखें, ये इधर वाला जो वायर है इसको हम माइनस लगाएंगे। ये हमने डायमंड केप का होल्डर लिया है, इसमें हमने डायमंड केप इस प्रकार लगाई है। और ये LED बल्ब लिया हमने, ये देखें LED बल्ब का माइनस वाला जो लेग है, माइनस वाले लेग में हम इसे लपेटेंगे इस प्रकार। ये देखें, इस प्रकार हमने लपेट दिया है। और इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला देखे पहले बताया हमने आपको कि ये माइनस वाला वायर हमने माइनस वाले लेग पे लगा दिया है। इधर हम इसको कट कर लेते हैं ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि ये वाला वायर जो है ये माइनस का है। इस प्रकार पूरी सीरीज चलेगी, हमने कट कर दिया ये मालूम पड़ने के लिए कि ये माइनस का लेग है। अब इसमें हम ये वायर जो है दूसरा वाला, ये इसे हम प्लस में लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्लस वाला लगा दिया है। ये देखिए, इसमें आपको गार्ड मारने का कोई काम नहीं है दोस्तों। जी हाँ, इसमें आपको गार्ड मारने का कोई काम नहीं है। ये हमारा बल्ब लग चुका है, देख लीजिए, एक माइनस वाला वायर जो बाहर निकाल दिया हमने, ये जो सर्किट में लगेगा 3PF में, और इधर से पूरी सीरीज हमारी चलेगी। इस प्रकार हमें डायमंड का ऊपर का ये टेप केप लगा देंगे। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों मैं। और ये जो वायर बचा हुआ है इसे हम डायमंड के अंदर लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका है एक बल्ब। इसी प्रकार हम दूसरा नाप लेते हैं 12 इंची का, फिर वही सफ़ेद वायर काटेंगे हम। ये देखें, सफ़ेद वायर कट किया हमने और वापस इसको इसी प्रकार से हिलना है। ये दोस्तों, फिर वापस ये हमने होल्डर लगाया इसमें, और इधर से प्लस वाला वायर इधर आया है, तो प्लस वाला जो वायर है वो हमारे बल्ब के माइनस में जाएगा, मतलब नेगेटिव में जाएगा। ये है नेगेटिव में हमने इसे लगा दिया है। इसी प्रकार फिर ये ऊपर कर दिया हमने इस प्रकार से। ये देखें दोस्तों, इस पर ऊपर कर दिया है और ये प्लस वाला है, फिर ये इधर वाले में प्लस वाला लग जाएगा और इधर का वायर वापस माइनस में जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। आप एक बात का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक काम करते समय आपको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक काम करते समय आपको बहुत सावधानी रखना होगी। इस प्रकार से देखें, दूसरा बल्ब भी हमारा लग चुका है। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनने वाली सीरीज की ट्रिक में बताने जा रहा हूँ आपको। और वायर बहुत हेवी है, सालों साल आपकी ये सीरीज चलने वाली दोस्तों। जी हाँ, सालों साल इन सीरीज कुछ नहीं होगा। वायर बहुत हेवी है, क्रिस्टल वायर है ये, इसकी PVC जो है ना वो ना कभी हार्ड होगी ना कभी नरम होगी, मतलब एक जैसी चलने वाली इसकी वायर और केबल है। इस प्रकार देखिए, हमने 2 बल्ब लगा दिए हैं, पहले 2 बल्ब हमने लगा चुके हैं, अब हम तीसरा बल्ब लगाते हैं। इसी प्रकार देखिए, हम नपती लेते हैं, ना नपती रखी, ये 12 इंची का हमने निशान लगा रखा है, यही से हम कट करेंगे इसको दोबारा। ये हमने कट कर दिया है, अब इसे कटर की सहायता से हम छील लेते हैं। इस प्रकार ये देखिए, इधर वाला जो प्लस का जो वायर इधर आया था, इसे हम काम लगाएंगे दोस्तों। बताइए आप कहीं लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे माइनस में, मतलब नेगेटिव में। जो बल्ब की लेग है हमारी, देख बल्ब की जो लेग है माइनस वाली, पहले से हमने इसको मोड़ कर रखी है, तो इससे हम माइनस की लेग में इसको लगा देंगे हम इस प्रकार से, और इसको ऊपर वार देंगे।
बहुत ही आसान तरीका है बनाने का इसे। इसमें आपको कोई वायर लपेटने का काम नहीं है, बस इसको बल्ब लगाओ, रेडी करो, चालू करो और सेल करो। इस प्रकार हमने इस प्लस में लगा दिया है, ये हमने ऊपर कर दिया इसको, और ये हम होल्डर लगा देंगे इसका डायमंड कैप का। और ये जो वायर बचा हुआ है इसे हम इसमें अंदर लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार हमने तीन बल्ब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चौथा बल्ब लेंगे, उसी प्रकार करना आपको। नपती ली हमने और ये 12 इंची पर हमने कट लगा दिया है, और ये हमने वायर सिला वापिस, और ये प्लस वाला वायर है, पॉजिटिव वायर है जो हमारे बल्ब के नेगेटिव में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे बल्ब के नेगेटिव में जाएगा, तो ये हमने नेगेटिव में इसे लपेट दिया है। ये देख लीजिए, नेगेटिव में लगा दिया हमने, और वापस ये हम प्लस में जाएंगे, ये वापस हमने प्लस में लगा दिया इस वायर को। इसी प्रकार 100 बल्ब तक आपको यही विधि अपनाना है। जी हाँ दोस्तों, 100 बल्ब शुरू से लेकर आखिर तक इसी पैटर्न में आपको चलना है, आखिर तक 100 ही बल्ब इस प्रकार लगेंगे दोस्तों। बहुत ही हेवी क्वालिटी का वायर है। अगर आपको ये वायर ऑर्डर करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, मैसेज करिए, हम आपको रेट भेज देंगे फोटो के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे 4 बल्ब कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार हम 100 बल्ब की सीरीज पूरी बनाकर आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको आखिर तक देखना है, जब भी आपको समझ में आएगा। बहुत सारे क्या करते हैं कि वीडियो को आगे बड़ा बड़ा कर देखते हैं और बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, ये कैसे लगा, वो कैसे हुआ। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, शेयर करें, आगे आगे बढ़ाए वीडियो को। और बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए हम। और बल्ब बता देता हूँ, बल्ब में देखिए ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। इसमें जो छोटी लेग जो रहती है ये माइनस की है, बड़ी वाली जो है वो प्लस की है। इस प्रकार हमने क्या पहले से माइनस की लेग मोड़ कर रख दी है। इस प्रकार हम आगे और सीरीज बनाते हैं। तो हमने 100 बल्ब की सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली है। देख लीजिए कितनी प्यारी बनी है सीरीज, ये बहुत ही हेवी लगती है, मतलब ये दिखने में भी हेवी है, वायर भी हेवी इसका। तो ये 100 बल्ब पूरे कंप्लीट कर लिए हमने, और हम इसका वो जो 3 PF ड्राइवर है इसके बारे में हम बताएंगे कैसे करना है। इसकी वायरिंग बताते हैं हम आपको। ये सर्किट पर सभी लिखा हुआ, देखिए इधर लिखा है प्लस माइनस, ये DC है। ये देख लीजिए, ये सर्किट 3 PF है जो हम इसमें लगाएंगे सीरीज में 100 बल्ब की। तो इसमें लिखा हुआ है प्लस माइनस, ये DC का है, उधर लिखा हुआ है AC, AC के लिए। बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट करते हैं कि हम कैसे वायरिंग करें, क्या है, हमें समझ नहीं आ रही है। तो बता रहा हूँ आपको, ये AC का है, इधर 220 वोल्ट सप्लाई है, ये DC का है। तो इधर देखिए, इधर 4.1 की जो 1, 2, 3 चारों है, ये चारों एक ही है और ये अलग है। इधर 2 वायरिंग होगी, इधर एक इधर होगी, इधर होगी, और ये प्लस माइनस है। तो हमने जो वायर लिया था वो वायर एल्यूमिनियम का है, तो ये क्या है कि साल्टर नहीं होता है। क्या दोस्तों, ये साल्टर नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है कि हमने ये कॉपर का वायर लिया है, तो जो हम वो कॉपर वायर साल्टर करेंगे। तो उसमें बताया था हमने कि AC वायर इधर है, AC का पॉइंट इधर है, तो हम इधर AC का साल्टर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इधर क्या है, हम AC का वायर करेंगे साल्टर, कॉपर वायर ले लिया हमने AC का, और करते हैं चारों में से कहाँ भी एक पॉइंट पर आप साल्टर कर सकते हो। इसमें एक हमने लगा दिया, इसमें दूसरा भी इधर हम साल्टर करते हैं। ये देखे दोस्तों, दोनों वायर हमने मजबूती से कर दिया साल्टर, देख लीजिए। AC का इधर AC का कर दिया साल्टर हमने, और इधर जो ये प्लस माइनस है इधर भी हम कॉपर वायर लगा देते हैं। इस प्रकार हमने इधर भी कॉपर वायर कर दिया साल्टर, ये देख लीजिए। तो जो हमने वायर लिया ये क्या एल्यूमिनियम का वायर है, तो ये साल्टर नहीं होता है। इसके लिए हमने ये कॉपर वायर हम कर रहे हैं साल्टर, और इसमें हम जॉइंट कर देंगे। ये देखा, हमारा सर्किट तैयार हो चुका है। अब ये वाला वायर जो है, ये वाला, ये माइनस लिखा है, तो ये माइनस का वायर है। तो इस माइनस के वायर को हम सिल देंगे, और सीरीज का जो वायर है माइनस का, जो वाइट वाला वायर हमने निकाला था बाहर माइनस का, तो हमने ये कर दिया सोल्डर वायर, और इसमें हमने जरा गार्ड बांध दिए जिससे बाहर नहीं आई है। तो हमने जो माइनस वाला वायर लिया था वो हमने माइनस वाला वायर है, तो माइनस का वायर हमने ले लिया है, और इसमें माइनस का देखे लिखा हुआ है माइनस। इसमें हम कॉपर वायर सोल्डर करा है, क्योंकि एल्यूमिनियम वायर जो वो सोल्डर नहीं होता है, इसके लिए हमने लगाना पड़ा है। इसमें कॉपर वायर पर माइनस वाला, इसमें माइनस वाला में हम जॉइंट कर देंगे। इसमें
ये देखिए इसमें जॉइंट कर दिया माइनस का वायर, ये वायर बहुत बड़ा है, इसके लिए क्या है हम इसके कर देते हैं छोटा, क्योंकि क्या डब्बे में ये आएगा नहीं, तो इसके लिए हमने इसको छोटा कर दिया वायर को। ये माइनस का वायर है, इसमें माइनस का वायर को माइनस का वायर में हम अटैच कर देंगे इस प्रकार, ये देखिए। और ये प्लस वाले में ये प्लस का वायर लग जाएगा इसमें, ये देखिए इस प्रकार प्लस का प्लस में लगा दिया हमने, ये दोनों वायर लग चुके हैं हमारे, ये देख लीजिए प्लस वाला प्लस में माइनस वाला माइनस में लगा दिया हमने, क्योंकि एल्यूमिनियम वायर था को साल्डर नहीं होता, इसके लिए हमने कॉपर वायर पहले साल्डर करना पड़ा इसमें हमें। और हम इस प्रकार इस पर हम सेफ्टी के लिए टेप लगा देंगे इसके ऊपर, इस प्रकार हमने ये सेफ्टी के लिए टेप लगा दिए, जिससे क्या है कि आपस में ये दोनों वायर शॉर्ट ना हो। इस प्रकार हम टेप लगा देते हैं दोनों वायर पे, जिससे क्या है कि ये शॉर्ट नहीं होगी आपस में। ये देखिए दोनों वायर ये हमने लगा दिए ये, और इसमें हम क्या है कि एक गार्ड बांध देते हैं, जिससे क्या है कि डब्बी से बाहर ये वायर नहीं जा पाएगा, मतलब जो खिंचाएगा नहीं वायर वो, इसके लिए क्या इसमें हम एक गार्ड लगा देते हैं, जिससे क्या है वायर नहीं खिंचाएगा। और डब्बी हमारे पास जो है डब्बी है ये वाइट कलर की, इसमें हम सर्किट रख देते हैं, ये देखिए इस प्रकार सर्किट रख दिया हमने ये, और इसका ढक्कन हम लगा देंगे ऊपर। तो ये हमारे 100 बल्ब सीरीज़ तैयार है, रेडी हमारी सीरीज़ 100 बल्ब की, ये पूरी कंप्लीट है, ये इसे हम चेक करते हैं, पूरी कंप्लीट हो चुकी है, देख लीजिए कंप्लीट है पूरी, आइए हम इसे चेक करते हैं। देखिए ये हमारी सीरीज चालू हो चुकी है, कितनी प्यारी लग रही है सीरीज, ये हमने 100 बल्ब की बनाई है, 100 फीट लंबी 100 बल्ब की सीरीज हमारी है, इसमें हमने 3 PF डायवल लगाया, इसका कनेक्शन बताया हमने आपको कैसे करते हैं, और ये हमने चेक करा, देखो सभी बल्ब में बहुत बढ़िया कलर आ रहा है इसका, मतलब फुल ब्राइटनेस है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 100 बल्ब लगाए हैं और 2 वायर है सिर्फ, फिर भी ब्राइटनेस जो है ना वो इसकी फुल आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ये देखें दोस्तों कितनी बढ़िया लग रही है सीरीज हमारी 100 बल्ब की। धन्यवाद।